హాయ్ యోయో వ్యూవర్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉండే గంట సింబల్ ను ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. గరుడా ఎక్స్ప్రెస్, an international courier service. अरे वा, तुम्हाला पण आणि सगळ्यांना इकडे माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडनं सगळ्यांना नवीन वर्षांची शुभकामना. पहिल्यांदा नाही, पहिले पण गेलो आहे मी. मला कुठला ते शो होता, झी हां झीचा शो होता, काय नाव, चला हवाई होता. ते आता बंद झालं काय? परत सुरू होतं, तर एक सीझन संपलं असेल. बरं, आय मला ॲक्च्युली आय वॉन्टेड टू कम इन दिस शो बिकॉज मला एक तर संगीत आवडतं अँड ऑब्व्हियसली मला आपल्या फिल्मची प्रमोशन पण करायची आहे. मला सांगायचं आहे लोकांना की व्हॉट पॅडमॅन इज ऑल अबाउट. एक असं सब्जेक्ट आहे, एक टॅबू सब्जेक्ट आहे की कोणी बोलतच नाही आणि सॅनिटरी पॅडबद्दल कोणीच बोलत नाही. And that I want to bring it in front of the audience. I want to tell people about it, that it is as normal as getting a cough or a cold. Just like that you get your periods and that is it. And me ta fakt tez bolaycha tyancha barobar ani sangaycha. So I thought he je platform hai Saregama pa, it's a big platform ani purna Maharashtra he bagta the program ani mala vatla ki mala asa jaylas paije. ए फ्लॅश करू नको ना, थांब ना, थोडं थांब थांब. हां सांग. दुसरी गोष्ट म्हणजे की आज मी स्वतः किती मराठी संगीताचे फॅन आहात ते तुम्हाला विचारायचं. मराठी गाणी किती आवडतात? असं म्हणजे मला जास्त गाणी येत नाही मराठीचे मला, हे पण ते डबल मिनिंग गाणं येतं. ढगायला लागली कळ पाणी थेंब थेंब. सॉरी पण मला ते आप बात कर रहे सर, सैनिटरी पैड्स की, देखो बहुत सारे तरीके हैं. दूरदर्शन है, जी वालों के पास मेरी सैटेलाइट और डिजिटल है और वहाँ जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे एंड लॉट ऑफ पीपल कैन सी इट. जस्ट लाइक हाउ टॉयलेट हैव रीच्ड, आई एम श्योर दिस मूवी विल आल्सो रीच. एक्चुअली जो भी कला है मराठी कला, वेदर इट्स फिल्म, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स सॉन्ग, इज एक्चुअली बिकम वेरी ट्रेंडी राइट नाउ. बट लोगों को पता नहीं है कि बहुत सालों से बहुत क्वालिटी का काम हो रहा है और अभी इतना यू नो पॉपुलर हो गया है कि हम यहाँ आके प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. जी एक्चुअली मुझे कुछ मराठी गाना अभी याद नहीं है, मगर मैं यहाँ शो पे जाके मैं सुनने वाली हूँ. देखते हैं कौन से मराठी गाने वो गाएंगे. पर मुझे ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, इंडियन क्लासिकल. मुझे सितार और बांसुरी सुनना यू नो बहुत बहुत पसंद है, तो आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक अ लॉट मोर देन एनीथिंग. हाँ जी, मेरे हिसाब से एवरीबडी इज़ अ विनर. आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन ऑनेस्टली. मुझे बहुत ऐसा होता है जब मैं शोज़ पे जाती हूँ और मुझे बोलते हैं कि कमेंट करो उनके परफॉर्मेंस पे कि ये इससे बेहतर है, कि ये बेहतर है, मुझे बहुत बुरा लगता है. तो मैं बोलती हूँ कि सब अच्छे हैं. थैंक यू, थैंक यू गाइज, बाय बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू. ये दोस्त क्या होती है तुम्हारी चला मारती है ये तन्ना तन्ना वास के यार साथ तेरे आर दोस्त क्या होती है तुम्हारी चला मारती है आने तन्ना तन्ना वास के यार साथ तेरे ये
शौक है, नहीं नहीं, इसने गायकी की कलाकारी भी दिखाई है, दोनों चीजों की कंपोजिशन सही चुनना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं कि जब स्टेज पे देख रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, सब गाना गा रहे थे और मैं उनके बारे में देख रहा था कैसे गाना गाए, और फिर अनु जी का मैं वो देख रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे कौन सा सुर लगता है। सर आपने अभी दो सुर के नाम बोले, मैं भूल गया था। तो अरे सर साना तर कुठला होता थे, मैं आठवण द्यायला पाहिजे मला राग काय। सर तुम्ही सांगा राग रसोई और पगड़ी। हाँ रसोई 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 मतलब वही जो मैं आपके लिए शूटिंग पे लाता हूँ। अरे यू नो मेरे को ये भी इस चीज का बहुत गर्व है कि मेरे को थोड़ी बहुत मच्छी मराठी आती है, मैं बोल लेता हूँ। महाराष्ट्र में रह रही महाराष्ट्र दे रहा हूँ सॉरी, हाँ मैं अगर थोड़ा बहुत गलती करूँ तो मुझे माफ कर। योर हैंड्स क्लैप फॉर सोनम कपूर। सोनम माझ्या बरोबर या फिल्म मध्ये हिरोईन आहे माझी, आणि आता ती मराठी मध्ये तुम्हाला फिल्मची మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.